हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस वाटर हीटर का जो मैंने अपने किचन में इंस्टॉल करवाया है। ये हमने इंस्टेंट वाटर हीटर लिया है जो हायर का है, और मैं इसके साथ आपको कंपैरिजन भी दूंगी स्टोरेज और इंस्टेंट वाटर हीटर्स का कि कौन सा बेटर रहेगा, और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी। हमें ये वाटर हीटर अराउंड 3500 का पड़ा था, और हमने ये अपने लोकल इलेक्ट्रिकल शॉप से ही लिया था। वो वाटर हीटर चूज़ करने से पहले हमने जो चीज़ें कंसिडर की थी वो ये था कि हमारे किचन में कितनी स्पेस है और हमें कितना यूज़ करना होगा। और स्टोरेज वाटर हीटर जो मिल रहा था वो 6 लीटर्स का था, सबसे छोटा, और उसका प्राइस अराउंड 6500 था। और उसके इंस्टॉलेशन में भी ज़्यादा काम पड़ता है, और ये वाला जो है आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टेंट वाटर हीटर 3000 वाट्स का है, और जबकि स्टोरेज वाटर हीटर 2000 वाट्स का होता है। लुक वाइज भी ये वाटर हीटर काफ़ी अच्छा है, और इसमें जगह भी हमारी कम घिरी है काफ़ी। सिर्फ अराउंड 1 फिट की जगह ली है इसने, और ये काफ़ी आसानी से इंस्टॉल हो गया था, तो हमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई। अराउंड आधे घंटे का ही काम था, और ये इस टाइप से हमने एक्सटेंड कराए हैं इसके इनलेट और आउटलेट पाइप्स। और ये जब वाटर हीट हो रहा होता है तब इसकी ग्रीन लाइट भी जलती है, और जब हीटिंग इसकी स्टॉप हो जाती है तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाती है। ये ऑन करने के फौरन बाद ही पानी को वार्म करना शुरू कर देता है, और अगर ये थोड़ी देर तक आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो ये इसका पानी काफ़ी ज़्यादा हीट कर देता है, हाथ जलाने तक हीट हो जाता है, लेकिन फिर 1 मिनट के अंदर ही नॉर्मल वार्म पानी आने लगता है। तो शुरू में मिक्स करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली 2-3 मिनट तक इसे यूज़ करते रहेंगे तो फिर पानी ठंडा निकलने लगता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज टैंक तो बस 3 लीटर की ही है। लेकिन अगर आपने इसे 30 सेकंड को फिर बंद कर दिया तो फिर से वापस हीट अप हो जाता है पानी, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो अगर आप चाहें कि आप काफ़ी देर तक इसे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें और इसमें वार्म पानी निकलता रहे, तो वो तो इसमें नहीं हो सकता है। तो अगर आपको बीच में रुक रुक के करना है, या कम यूजेज है आपका, बहुत सारे बर्तन एक साथ नहीं धोने हैं, तब ये बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आपके पास स्पेस भी कम है और आप छोटा ही गीज़र लगा सकते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और इजीली इंस्टॉल भी हो जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत सारे बर्तन धोने हैं, रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए है, तो स्टोरेज वाटर हीटर ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें एक साथ आपको 6 लीटर या 15 लीटर जितना भी बड़ा होगा उतना पानी एक साथ आपको गर्म मिल जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और ये हमने वॉशरूम्स में लगाया हुआ स्टोरेज वाटर हीटर है, ये मॉफी रिचर्ड्स का है, और इसमें आपको जैसे देख सकते हैं ये टेम्परेचर भी आता रहता है इसमें। आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं इसका नॉब घुमा के, आपको जितने गर्म पानी चाहिए हो। और ये डिस्प्ले आपको करंट टेम्परेचर बताएगा, वाटर जैसे जैसे हीट अप होता रहेगा वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इंस्टेंट वाटर हीटर का एक ये कॉन है कि आप उसमें टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते, जबकि स्टोरेज वाटर हीटर में आपको ये ऑप्शन रहता है कि आप मौसम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और ये हमारा 15 लीटर का है, और अराउंड 6500 का पड़ा था। और स्टोरेज वाटर हीटर का एक ये कॉन है कि ये थोड़ा टाइम लेता है वाटर को हीट अप करने में, जबकि इंस्टेंट वाटर हीटर में विदिन 30 सेकेंड्स आपको वार्म पानी मिलने लगेगा। और ये एक और हमने हायर का स्टोरेज वाटर हीटर लगाया हुआ है, इसकी कैपेसिटी 15 लीटर्स की है,
और इसमें टेम्परेचर हमें अलग से नहीं दिखता है, इसमें ऐसे नीडल दे रखी है, ऊपर डायल दे रखा है, उसमें नीडल से पता चलता है कि कितना वाटर हीट हुआ है। इसमें भी ऑप्शंस हैं हमें टेम्परेचर सेट करने के। तो ये थे मेरे हिसाब से प्रोज़ एंड कॉन्स जो वाटर हीटर्स का, जो मुझे एक्सपीरियंस है। दिखने में मॉर्फी रिचर्ड्स का वाटर हीटर ज़्यादा अच्छा है, और ये हायर का स्टोरेज वाला बिल्कुल बेसिक सा है, इतना लुक वाइज अच्छा नहीं है। ये दोनों स्टोरेज वाटर हीटर्स हम करीब 2 साल से यूज़ कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, दोनों ही अच्छा काम करते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट मॉर्फी रिचर्ड्स वाला है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर आपको दिख जाता है आसानी से और पता चल जाता है कि अभी कितना हीटअप हुआ है वाटर। तो अगर आपकी कोई और क्वेरी हो वाटर हीटर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।